स्वागत है आपका नेशन न्यूज में और मैं हूं रितांभरा आपके साथ। विधानसभा की कार्यवाही के पूर्व बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ तीखे बयान दिए। उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछा कि शराबबंदी कानून पर हमारी सरकार पर कीचड़ उछालने से पहले ये बताएं कि उन्हें पुलिस से पहले कैसे पता चल जाता है कि शराब कहां रखी है। तेजस्वी यादव के विधानसभा में नहीं बोले दिए जाने के आरोप पर जीवेश मिश्रा ने कहा कि मीडिया वालों को पूछना चाहिए कि तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अब तक कोई सवाल क्यों नहीं पूछा। वहीं मंत्री राम सूरत राय के विवाद पर उन्होंने कहा कि कानून अपना कार्य कर रही है, अगर दोषी होंगे तो उन्हें भी जेल जाना होगा। जरा उन्हीं से पूछ लीजिए इस प्रश्न का जवाब कि शराब कहां कहां है, ये तेजस्वी यादव को थाने से पहले कैसे मालूम हो जाता है, ये उन्हीं से पूछ लीजिए। धन्यवाद कि जिसने आपको नेता बनाया उसके लिए आपके क्या क्या प्रश्न आपने लाया है, उसके हित में आपने बिहार विधानसभा के अंदर क्या क्या काम किया मालूम नहीं है। हर पार्टी को आजादी है अपने नेता के बारे में अपनी बातों को कहना, लेकिन देश के जी हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, क्या कुछ कहा है जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव के खिलाफ? जी हाँ रितांभरा, आज सत्र से पहले ही मंत्री जीवेश मिश्रा तेजस्वी यादव पर लगातार हमला बोलने लगे। जब पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव साफ तौर पर कहते हैं कि मुझे विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता है, तो वो गुस्सा गए और कहते हैं कि पहले वो बताएं कि वो जिस जगह से प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा का, वहां के जनता के लिए उन्होंने आज तक क्या करा, न उनके लिए एक सवाल उठाए न उनके लिए बात की। जब भी उनसे पूछा जाता है तो वो तथा कथित शराबबंदी को लेकर बोलने लग जाते हैं। रितांभरा जी, उत्कर्ष, इस पे आरजेडी के किसी नेता का या फिर किसी अन्य का इस पे कोई बयान आया है जीवेश मिश्रा के इस तीखे बयान को लेकर? जी नहीं रितांभरा, फिलहाल तो अभी किन्हीं का बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के नेता इस बात को लेकर, शराबबंदी को लेकर बात उठा रहे हैं, ऐसा जरिए बैठक भी आज सुबह की गई है जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद थे और बिहार के डिप्यूटी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद थे, उसके बाद साफ तौर पर यही है कि जो शराबबंदी कानून है उसको और सख्ती से पेश किया जाएगा बिहार में, और जो शराब के लेकर जो तस्कर है उन पर ज्यादा सरकार अब एक्टिव हो जाएगी। रितांभरा जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया उत्कर्ष। तो आपको बता दें कि मंत्री जीवेश मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ तीखे बयान दिए हैं और तेजस्वी यादव से कई सारे सवाल किए हैं कि शराबबंदी कानून पर वो कीचड़ उछालते हैं, लेकिन पहले वो बताएं कि पुलिस से पहले तेजस्वी को कैसे पता चल जाता है कि शराब कहाँ है। पटना से कोलकाता जाने के क्रम में कारोबारी से अपराधियों ने 1.5 करोड़ रुपए नगद और लगभग 2.5 किलो सोना और 56 किलो चांदी लूट ली। बताया जा रहा है कि कोडरमा बरही सड़क मार्ग पर अपराधियों ने पहले उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और लूट की घटना को अंजाम दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही रांची पुलिस को तत्काल इसकी जानकारी मिली और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया। इस टीम ने ओरमांझी के शास्त्री चौक के पास चेकिंग के दौरान अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट की रकम और सोना चांदी बरामद किया गया है। पूछताछ में अपराधियों ने पुलिस को बताया कि पैसे लेकर बंगाल निकले कि उनकी प्लानिंग थी। पुलिस ने जिन दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है उसमें एक बक्सर का रहने वाला धीरज कुमार और दूसरा औरंगाबाद का रहने वाला राहुल यादव है। वहीं इस घटना में शामिल दो अन्य अपराधी अभी भी फरार हैं। चित और एंट्री पॉइंट पे चेकिंग लगाई गई थी और उसी के उपरांत ब्लॉक चौक से एक इनोवा कार जो लूटी कार थी उसको ट्रैक किया गया और वहां पे दो व्यक्ति को पकड़ा गया जिसके पास से आर्म्स की बरामदगी हुई और जब गाड़ी को सर्च किया गया उस गाड़ी से जो था मतलब 2.395 किलो 395 ग्राम सोना, 56 किलो सिल्वर। हाजीपुर पुलिस लाइन में बीते दिनों महाशिवरात्रि के अवसर पर पुलिस मेंस एसोसिएशन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें बार बालाओं के साथ पुलिस कर्मियों का अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस मामले में तिरहुत आईजी ने कार्यक्रम में शामिल 11 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। वहीं हाजीपुर पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों
और सदस्यों सहित 12 लोगों पर नामजद प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। और किशनगंज जिले के सलाम कॉलोनी में आग लगने के कारण एक ही परिवार के 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि रात के करीब 2:30 बजे अचानक घर में आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मुंगेर में आपसी रंजिश में मुर्गा फार्म में आग लगा दी गई, जिससे 500 मुर्गे जलकर राख हो गए। इस आग लगी की घटना में करीब 5 लाख का नुकसान हुआ है। घटना नया रामनगर थाना अंतर्गत इटहरी ग्राम की है। जी तो आपको बता दें कि आपसी रंजिश के कारण पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी गई, जिसमें 500 मुर्गे जलकर राख हो गए हैं। इस अगलगी में करीब 5 लाख का नुकसान हुआ है। घटना बताया जा रहा है कि यह घटना नया रामनगर थाना अंतर्गत इटहरी ग्राम की है। तो आपको बता दें कि आपसी रंजिश के कारण पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी गई, जिससे लगभग 5 लाख का नुकसान हुआ है। जी तो आपको एक बार फिर बता दें कि मुंगेर में आपसी रंजिश के कारण, आपसी विवाद के कारण पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी जाती है, जिससे 5 लाख का नुकसान हो जाता है। और ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर 500 मुर्गे भी जलकर मर गए हैं। पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदापुर में शादी समारोह के दौरान छत गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर में शादी समारोह चल रहा था, इसी दौरान छत गिर गई, जिससे यह हादसा हुआ। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। इस घटना में एक बच्चे समेत 4 महिलाएं भी घायल हुई हैं। जी तो आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के गोविंदापुर जिले में शादी समारोह चल रहा था, जहां पर दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। वहां पे कई लोग जख्मी हुए हैं और यह भी बताया जा रहा है कि 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि उस घर में शादी का माहौल था, लेकिन अचानक वो शादी का माहौल मातम में बदल गया जब दीवार गिर गई और ये हादसा हुआ, और वहां पर कई लोग जख्मी हो गए और कईयों की मौत भी हो गई है। जी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, कब की है ये घटना? लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है, हम बने रहेंगे उनके साथ। तो आपको बता दें कि शादी समारोह के दौरान छत गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई है और उन लोगों को निकाल लिया गया है और उनका इलाज कराया जा रहा है। जी धनंजय हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। धनंजय, कब की है ये घटना? ये रात 9 बजे की घटना है। मोतिहारी का सुगौली प्रखंड क्षेत्र है, जहाँ के उत्तरी श्रीपुर का गोविंदापुर गांव है। वहीं पे रात मटकोर पूजा की गीत गा रही महिलाओं के ऊपर अचानक घर का वो दीवार टूटकर गिर पड़ा, जिसके कारण 2 महिलाएं मौके वारदात पर ही उसकी मौत हो गई है और 4 लोग घायल हो गए हैं। जी धनंजय, घायलों की क्या स्थिति बताई जा रही है अभी? वो खतरे से बाहर है या फिर उनकी भी स्थिति गंभीर है? जी, जहां तक घायलों की बात है तो मैं आपको बता दूं कि घायलों को स्थानीय ग्रामीण और पुलिस के पहल पर आनन फानन में उसको मलबे से निकालकर और बेहतर चिकित्सा के लिए स्थानीय PHC में लाया गया, जहाँ से उसे मोतिहारी सदर अस्पताल लाया गया है।
और वहीं पे जो दो महिलाएं जो जिनकी मौत हो गई है उनका शव पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल लाया गया है और पोस्टमार्टम के बाद में उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस घर से बेटी की डोली उठने वाली थी उस घर में आज अर्थी उठ रही है और दो महिलाओं के मौत से पूरा जो गांव है वहां के जो लोग हैं वो काफी मातम मना रहे हैं। जी जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया धनंजय। तो आपको बता दें कि शादी के माहौल में, शादी के घर में जहां पर बेटी की डोली उठनी थी वहां पर ऐसा हादसा हो गया जो जिससे पूरा घर मातम में है अब।